वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास से हम लोग एक नया इनिशिएटिव इंडियन पॉलिटी के टॉप 500 एमसीक्यूज का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इस क्लास में सभी प्रश्न एमसीक्यूज बेस्ड होंगे और इसका जो सही विकल्प होगा हम लोग उसका चयन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप डिस्क्रिप्टिव या फिर कंप्लीट पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं या फिर यूपीपीएससी या किसी भी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के लिए यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए, आप इन नंबर पर कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त चीजों को और आसान बनाने के लिए यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके और आसान तरीके से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ने के इच्छुक हैं तो आप एक बार इन नंबर पर संपर्क कीजिएगा या क्यूआर कोड स्कैन करके जानकारी प्राप्त कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के अपने क्लास की ओर। यहाँ पर हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस के सही विकल्पों का चयन करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न दिया, भारत के राष्ट्रपति ने जिस मामले में अपनी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था। देखिए, द इंस्टेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज्ड हिज पावर ऑफ पॉकेट वीटो रिलेटेड टू। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था भारतीय डाकघर संशोधन एक्ट में, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति इलेक्शन के बारे में। द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंटल इलेक्शन इफ। अब जो चीफ मिनिस्टर है कब वह मतदान करने का योग्य नहीं होता है? देखिए, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तब, है ना। तो यहाँ पर विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, ही इज द मेंबर ऑफ द अपर हाउस इन द स्टेट लेजिस्लेचर। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 क्या दिया, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो यहाँ पे देखिए, द एबोल्यूशन ऑफ IAS एंड IPS हैज बीन रिकमेंडेड बाय द। अब आपको ये बताना है कि IAS और IPS को समाप्त करने की सिफारिश किसने किया था, तो ये राज मन्नार आयोग ने किया था, विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4, इसमें क्या दिया, देखिए नीचे 4 युग्म दिए गए, इसमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत पद पर रहे हैं। ठीक है, अमॉन्ग द 4 पेयर्स गिवन बिलो विच वन कंसिस्ट ऑफ अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिग्निचरीज हु बिकम वाइस प्रेसिडेंट्स आफ्टर हैविंग हेल्ड डिप्लोमेटिक पोस्ट लाइक एम्बेसडर। तो देखिए, यहाँ पर अगर देखेंगे तो कौन कौन से ऐसे थे जो पहले एम्बेसडर थे बाद में वाइस प्रेसिडेंट बने, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और KR नारायणन, ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, विकल्प नंबर सी। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5, 5 में क्या दिया, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वह था। देखिए, द स्वर्ण सिंह कमेटी कंसिडर्ड द क्वेश्चन ऑफ, तो स्वर्ण सिंह समिति की अगर बात करेंगे तो उन्होंने विचार किस प्रश्न पर किया था, भारत के लिए राष्ट्रपति मूलक शासन की उपयुक्तता, है ना। द सुटेबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 क्या है, यहाँ पर देखिए दिया, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर कॉमन टू बोथ द इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन। अगर बात करेंगे इंडियन फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन में कौन सा मतलब फैक्ट कॉमन है, तो यहाँ पे देखिए, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय, अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी बनेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया, प्रश्न संख्या 7, विश निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। देखिए, विश वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो समवर्ती सूची में किसको शामिल किया गया, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, प्रश्न संख्या 7 का। दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया, स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज करेक्ट, तो अगर स्पीकर के ऑफिस की बात करेंगे तो इसमें से कौन सा फैक्ट सही है, तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 4 विकल्प दिए, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें हो जाएगा डी, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। इफ ही इंटेंड्स टू रिजाइन द लेटर ऑफ हिज रेजिग्नेशन इज टू बी एड्रेस टू द डेप्यूटी स्पीकर, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। दोस्तों नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन
ऑफ बोथ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो अगर देखेंगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अंतर आता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 10, बजट के ऊपर संसदीय नियंत्रण के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द बजट। अगर 10 की बात करेंगे तो इसमें जब चारों विकल्पों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिलेगा बजट निर्माण में संसद को कोई अधिकार नहीं है, है ना, ये फैक्ट सही नहीं है। पार्लियामेंट हैज नो सीट इन द प्रिपरेशन ऑफ द बजट। तो विकल्प ए हो जाएगा 10 का बिल्कुल सही उत्तर। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 11 में क्या दिया है, सूची एक का सूची दो के साथ से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बाय यूजिंग द कोट्स गिवन इन द गिवन लिस्ट। मतलब यहाँ पे जो लिस्ट दिया गया उसको आपको चयन करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे समझते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए मूल अधिकार की बात किया जा रहा है ना, इसके बाद शासन की संसदीय प्रणाली की बात किया जा रहा है, आपात उपबंध की बात किया जा रहा है और इसके बाद DPSP की बात किया जा रहा है। अब इसमें समझिए, जैसे मान के चलिए आपको सब नहीं पता है, आपको एकाध दो पता है तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए DPSP की बात करेंगे तो DPSP आयरलैंड से लिया गया था, है ना, मतलब जो राज्य के नीति निदेशक तत्व इसको DPSP कहा जाता है। तो जैसे आपने इसको सेट किया तो डी के साथ तीसरा मिलेगा, तो डी के साथ तीसरा देखिए सिर्फ दो विकल्प है, यहां से विकल्प बी और विकल्प ए एलिमिनेट हो गया, है ना। इसके बाद आपात उपबंध की बात करेंगे तो जो आपात उपबंध है, आपात उपबंध लिया गया था जर्मनी से, है ना, तो यहां पर इसके साथ जब मैच करेंगे तो देखिए ये आपका आपात उपबंध मतलब सी के साथ चार मैच करेगा, तो सी के साथ चार मैच करेगा और इसके बाद डी के साथ तीन मैच करेगा। तो यहां से ये देखिए आपका यही विकल्प सही बनेगा, विकल्प सी हो जाएगा। इसके बाद क्लियर हो गया कि दूसरा मतलब यहां पर देखेंगे जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, मूल अधिकार लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से, है ना। तो आप आसानी से चीजों को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले स्लाइड अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली आर ट्रू। आपको बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बात है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इन विकल्पों को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या क्या सही है। देखिए सबसे पहले देखिए वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। आगे है यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल था, ये भी गलत हो जाएगा। यह एक बहुदलीय निकाय था, ये बिल्कुल सही। इसमें कार्य करने के लिए कोई समितियां नहीं थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो अगर देखेंगे 12 का तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा 3 और 4, मतलब यहाँ पर विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। दोस्तों नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 13, देखिए प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पर नीचे मतलब इसका विकल्प नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, यहाँ से जो सही होगा उसको फिर चयन कर लेंगे। देखिए दिया है उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर करेक्ट, है ना। अब इसमें से करेक्ट का चयन करना है। देखिए उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। देखिए इट इज बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट टू गिव इट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट। तो ऐसा बाध्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को ऐसा बाध्य नहीं किया गया, तो यह तथ्य गलत हो जाएगा। दूसरा है परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई कर सकती है। ठीक है, देखिए ये सही है। देखिए द फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियर्स एनी रेफरेंस मेड टू इट अंडर इट्स पावर ऑफ एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब जो इसकी पूर्ण पीठ है सुनवाई कर सकती है। आगे दिया परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। देखिए द ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ रेफरेंस अंडर एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑफ मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर गवर्नमेंट समझिए। तो ये भी बिल्कुल सही है, मतलब ये गवर्नमेंट को बाध्य नहीं करेगा। उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता के शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है, ये तथ्य गलत है। तो यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा और तीसरा सही उत्तर दिख रहा है, तो दूसरा तीसरा जहां पर दिखेगा यही इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। तो दूसरा और तीसरा विकल्प सी में दिख रहा है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 14 में क्या दिया है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय को संविधान के पांचवें भाग में शामिल किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स हैज बीन इंक्लूडेड इन द 5th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है ना।
14 का जो सही उत्तर बनेगा ए बी सी डी में से जो भी सही इसको कमेंट करके बताएगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15, भारत के समाचार पत्रों के स्वातंत्र्य है ना, फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑफ इंडिया। अब प्रेस ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसके फ्रीडम की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में विशेष रूप से उपबंधित है ना, इज स्पेशली प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना। देखिए यहाँ पे 19(1)(a) में स्वतंत्रता की बात की गई, लेकिन यहाँ पर देखिए 19(1)(a) से जुड़ा एक और तथ्य दिया, तो इसको भी पहले पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(k) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र में निहित है। तो देखिए यहाँ पे व्यापक स्वातंत्र की बात कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ इतना बता रहा है कि विशेष रूप से है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। तो दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों में विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया, मतलब जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है इसमें कौन सा ऐसा संबंध है जिसके कारण इसे म्यूनिसिपल संबंध कहा जाता है। यही प्रश्न इंग्लिश में दिया, इन विच रिस्पेक्ट हैव द सेंटर स्टेट रिलेशंस बीन स्पेशली टर्म्ड एज म्यूनिसिपल रिलेशंस। तो देखते हैं कौन कौन सा विकल्प यहां पर दिया। विधायन के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, मतलब जो विधायन का क्षेत्र है, जो लेजिस्लेटिव स्पीयर है, इसमें क्या है कि जो केंद्र का कंट्रोल है स्टेट के ऊपर, इसके प्रसंग में। इसी चीज को इंग्लिश में दिया, सेंटर्स कंट्रोल ऑफ द स्टेट इन लेजिस्लेचर स्पीयर। आगे दिया, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, सेंटर्स कंट्रोल ऑफ द स्टेट इन द फाइनेंशियल मैटर्स। फिर आगे दिया, प्रशासनिक क्षेत्र में, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर है उसकी बात की जा रही है। और लास्ट में योजना प्रक्रम, योजना प्रक्रम का मतलब हो जाएगा प्लानिंग प्रोसेस के संबंध में। तो देखिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्यूनिसिपल रिलेशंस की बात करेंगे तो म्यूनिसिपल रिलेशन का पूरा संबंध है योजना प्रक्रम से। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया, निर्गत मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एग्जिट पोल इज करेक्ट। तो एग्जिट पोल की अगर बात करेंगे तो दोस्तों आपने देखा होगा अक्सर इलेक्शन के बाद क्या होता है, जनता के विचार को जानने का प्रयत्न किया जाता है कि उन्होंने किस पार्टी के किस प्रत्याशी को वोट दिया है। तो एग्जिट पोल का रियल मतलब होता है कि जनता के विचारों को जानना कि उन्होंने किस प्रत्याशी को मतदान किया है। तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। निर्गत मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के निर्वाचन क्षेत्र सर्वेक्षण को व्यक्त करता है, जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है ना। तो आप पहला ही विकल्प यहां पे सही बन जा रहा है ना। तो ये हो जाएगा, एग्जिट पोल इज टर्म टू यूज डोनेट अ पोस्ट इलेक्शन सर्वे ऑफ वोटर्स रिगार्डिंग द कैंडिडेट इन हुज फेवर दे हैड एक्सरसाइज्ड देयर फ्रेंचाइज। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, मतलब इसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि जनता ने किस प्रत्याशी को मतदान किया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 18 में क्या दिया, ये दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना, मतलब कौन है जो, मतलब राज्य का मुख्यमंत्री तो नहीं बना लेकिन भारत का प्रधानमंत्री बन गया। हु एमंग द फॉलोइंग बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विदाउट बीइंग अर्लियर द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। मतलब किसी स्टेट के सीएम नहीं बने, मतलब स्टेट के मुख्यमंत्री नहीं बने लेकिन भारत के प्रधानमंत्री बन गए, तो इसमें कौन कौन है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग बात करेंगे, मोरारजी देसाई ये पहले सीएम रहे थे है ना, इसके बाद बात करेंगे चौधरी चरण सिंह, ये भी सीएम बने थे उसके बाद पीएम बने थे। वीपी सिंह ये भी पहले सीएम बने फिर बाद में सीएम बने पीएम बने। और पीवी नरसिंहा राव ये भी पहले सीएम बने तो फिर बाद में पीएम बने थे। इसमें चंद्रशेखर जी इकलौता ऐसा नाम है जो बिना मुख्यमंत्री बने प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे। तो विकल्प डी, मतलब यहां पे देखिए इसमें देखेंगे तो केवल चार, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 19 में क्या दिया कि भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य हैं। आपको ये बताना है निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होगा। यहां पर विकल्प देखिए इस इंग्लिश में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसमें कौन कौन सा कार्य, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, तो नहीं भाई ऐसा नहीं होगा है ना। नगर पालिकाओं और नगर निगम के लिए निर्वाचन करवाना, ये भी ईसीआई का काम नहीं है ना। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे निर्वाचन से उत्पन्न जितने भी संदेह और ये है विवाद है उनका निर्णय, तो ये भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20 है ना, देखिए 20 में क्या दिया गया, भारत में विधिक निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई है। Which of the following electoral systems have been adopted for various elections in India? मतलब जो इंडिया में इलेक्शन होते हैं अलग अलग प्रकार से उसमें कौन कौन सा सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया।
पहला पॉइंट दिया वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। इसको इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में दिया सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, है ना। तो देखिए यहाँ पे सीधी सी बात है कि वयस्क मताधिकार का भी प्रयोग किया जाता है और प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो पहला तो सही हो जाएगा। आगे देखिए इसमें और देखेंगे एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रणाली, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यह भी सही हो जाएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली तो ये नहीं होगा, है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली, ये भी नहीं होगा। तो पहला और दूसरा सही उत्तर बनेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। आते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। अगला प्रश्न यहां पर क्या दिया, देखिए निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है परंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं। देखिए यहां पर पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर लेव्ड बाई द यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाई द स्टेट, मतलब लगाता तो केंद्र सरकार है लेकिन उसका जो वसूली करना है और फिर जो उसका विनियोजन करना है ये कौन करता है, राज्य सरकार। तो ये स्टाम्प ड्यूटीज, मतलब जो स्टाम्प शुल्क होता है ये ऐसा होता है कि इसका जो इसे लगाया जाना होता है ये राज्य केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु इसका जो संग्रह और विनियोजन है कौन करता है, राज्य करता है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 22 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब इसमें से कौन कौन है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तो अगर बात करेंगे वित्त आयोग का अध्यक्ष, ये मतलब चेयरमैन फाइनेंस कमीशन का ये होता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष, ये नहीं होगा, है ना। इसके बाद राज्य संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, मतलब जो यूनियन टेरिटरी है वहां के सीएम। तो पहला और तीसरा, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहां पर क्या दिया, प्रश्न संख्या 23, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि द बेसिक स्ट्रक्चर थियरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंप्लाइज दैट, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बेसिक थियरी ये क्या कहती है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य है उनका निरसन नहीं किया जा सकता। देखिए सर्टेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सो एसेंशियल टू इट दैट दे कैन नॉट बी एब्रोगेटेड, मतलब कुछ ऐसे लक्षण है जिनका कभी भी निरसन नहीं किया जा सकता, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए। जब एक सही हो गया तो इसके आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, है ना। देख लेते हैं फिर भी, मूल अधिकार को ना तो कम किया जा सकता और नहीं छीना जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। मूल अधिकार आपने पढ़ा होगा, मतलब अलग अलग परिस्थितियों में भेदभाव किया जाता है कुछ जगह। संविधान का संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के विहित प्रक्रिया से ही किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, है ना। फिर आगे यहाँ पर यह भी गलती हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर, प्रश्न संख्या 24 का क्वेश्चन क्या है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, द दिनेश गोस्वामी कमेटी वॉज कंसर्न्ड विद, तो आपको ये बताना है कि दिनेश गोस्वामी समिति जो इसका संबंध किस तथ्य से था, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति, तो ऐसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण से नहीं जुड़ा था, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया निर्वाचन सुधारों से, तो जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थे इसी से इनका संबंध था दिनेश गोस्वामी समिति का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 25 में क्या दिया गया, 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परंपरा के रूप में पालन किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टार्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड बाई द कन्वेंशन, मतलब कौन सा ऐसा तथ्य है जिसका संविधान में तो उल्लेख नहीं किया गया लेकिन परंपरागत रूप से इसका पालन किया जाता है। तो वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, यह नहीं है, है ना। यदि प्रधानमंत्री निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, यही इसका सही उत्तर होगा, मतलब ये इसका उल्लेख संविधान में नहीं है लेकिन इसका पालन किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 26 में क्या दिया, देखिए निम्न में से किन राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी लाया गया है, मतलब देखिए कौन सा ऐसा अधिनियम है, है ना, जिसमें क्या किया गया, मतलब कौन सा ऐसा राज्य जिसमें लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत मुख्यमंत्री को भी रखा गया, तो गुजरात और मध्य प्रदेश, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 27 के, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, बात करेंगे लोकल गवर्नेंस ऑफ इंडिया तो इसके संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। देखिएगा यहाँ पर दिया भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघी प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटी नहीं है, भाई सीधी सी बात है कि स्थानीय शासन जैसी कोटी है, है ना, तो ये गलत हो जाएगा, तो यही सही नहीं होगा। जब ये सही नहीं है तो यही इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा, आपसे पूछा कि कौन सा सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 में क्या दिया है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है, तो इसका अर्थ है कि देखिए इफ इन एन इलेक्शन टू अ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली द कैंडिडेट हु इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड लॉसेस हिज डिपॉजिट, इट मींस दैट, देखिए
उस जमानत राशि खो देता है, इसका मतलब है कि जमानत उसकी जब्त हो गई। अब जमानत जब्त होने का मतलब क्या, आपने पीछे पढ़ा होगा कि जब 1/6 अगर इतना वोट नहीं प्राप्त कर पाते तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती। तो 1/6 वोट न प्राप्त करने की कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है कि उसे बहुत कम वोट मिले। अब बहुत कम वोट कैसे मिलेगा, जब प्रत्याशी ज्यादा हो जाएंगे। जैसे इमेजिन करिए कि एक जगह मतलब टोटल 100 वोटर्स हैं, अब यहाँ पर 10 कैंडिडेट मतलब खड़े हो गए। अब जब 10 प्रत्याशी इलेक्शन में भाग लिए तो क्या होगा कि यहाँ पे वोट का बंटवारा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है 1/6 मतलब 17 वोट के आसपास चाहिए एक लोगों को, तो नहीं मिल पाएगा। तो सीधी सी बात है कि जो इलेक्शन लड़ने वाले प्रत्याशी हैं इनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। तो निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी, ये इसका सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 29 पर। देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया, भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको ये बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द कमेंसमेंट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। तो आपको ये बताना है कि जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके कमेंसमेंट में कौन सा तथ्य सही है। तो अगर बात करेंगे, देखिए सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। देखिए द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन इज मेड बाई द गवर्नमेंट एंड इट द नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज इशूड बाई द इलेक्शन कमीशन। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प ए। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 30। 30 में क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट, है ना। तो इसके बारे में बताना है, तो अगर 30 की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन ये इस दायरे में आएगा, है ना। संसद के में राज्यों का प्रतिनिधित्व ये भी आएगा। सातवीं अनुसूची में कोई भी सूची मतलब ये भी आएगा। तो पहला दूसरा तीसरा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प ए, क्योंकि चौथा यहाँ पर देखिए विधान परिषद की समाप्ति इसका उल्लेख नहीं होगा। आपके कितने क्वेश्चन सही बने आप इसको कमेंट करके बताइएगा। इस प्रकार की क्लासेस निरंतर आपको मिलेगी, इसके लिए आप UPPSC बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।